हेलो स्टूडेंट्स, वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू SIS ऑनलाइन क्लासेस। आई एम अंकित भट्ट एंड आई एम गोइंग टू डिस्कस एक्सरसाइज नंबर 14.2। ओके, सो बेटा स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और लास्ट क्वेश्चंस में ही थे टॉपिक में, मींस एक्सरसाइज नंबर 14.2 मैथ्स क्लास। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ई से स्टार्ट करना था और क्वेश्चन नंबर 5 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो क्वेश्चन है 1+a² + a³ + a। ओके, किसी को मरना नहीं, हम रोटी खा के आए लोग। ओके, फोर टर्म्स हैं, 2-2 में डिवाइड करेंगे। ओके, सो फर्स्ट वाले टर्म्स में देखिए कुछ भी कॉमन नहीं, तो ए वन कॉमन होगा, जहाँ कुछ कॉमन नहीं होगा वहाँ वन कॉमन होगा। सो 1+a² वैसे ही नोट हो जाएगा। सेकंड वाले टर्म्स में देखिए सर ए की मिनिमम पावर 1 है, तो ए कॉमन हो जाएगा, सो सर a² + 1 हो जाएगा। ठीक है, सो देखिए बेटा a² + 1 कर दें या 1+a² कर दें, क्या कोई डिफरेंट है क्या? 6+7 करें या 7+6 करें, आंसर तो वही आएगा ना बेटा। तो बस वही चीज़ यहाँ पे भी है, 1+a² क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। और बचेगा क्या? 1+a, भाई ये कॉमन टर्म्स हो जाएगा, तो बचेगा क्या? 1+a ब्रैकेट में। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 नंबर होगा। am + bm - an -bn। ओके, तो दोनों में कॉमन क्या है? m, a+b, m कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा क्या? a+b। और दूसरे में देखिए माइनस बी कॉमन निकलेगा, क्योंकि हमको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है और n कॉमन है, माइनस n। देखिए अंदर साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस ए एन था तो प्लस का a कन्वर्ट हो जाएगा, और ये भी साइन माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब क्या कॉमन दिख रहा है? a+b। ओके, एंड m - n। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7th है। x³ - x² + x - 1। ओके, सो एक्स स्क्वायर देखिए दोनों में एक्स की मिनिमम पावर यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा। और x - 1 + 1 x - 1, x - 1 कॉमन कर लेंगे, x² + 1 बचेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, 2x + cx + 2c + c². ओके, सो एक्स कॉमन हो जाएगा इन दोनों में, 2+c + 1, इन दोनों में c कॉमन होगा, 2+c, सो कॉमन टर्म्स होगा 2+c एंड x+c। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, x² - ax - bx + ab। ठीक है, सो कॉमन टर्म्स क्या है फर्स्ट टू में? x। ठीक है, सो दो है थे, यहाँ 1x होगा रेस्ट टर्म एंड x, सॉरी a। देखिए इन दोनों से माइनस b कॉमन कर रहे हैं, साइन भी कॉमन कर लिया, तो अंदर के साइन चेंज होंगे। फर्स्ट वाला नेगेटिव टर्म्स था, देखिए पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा x में, और ये प्लस से माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, और b कॉमन ही हो चुका, बचेगा क्या? a। सो x - a अब की बार कॉमन दिख रहा है, कॉमन हो जाएगा, एंड रेस्ट टर्म x - b। ओके, क्वेश्चन नंबर 10th देख लेते हैं, आज इस एक्सरसाइज को फिनिश कर देंगे बेटा। 3 - 6m + m - 2m². ओके, सो
देखिए फर्स्ट बेटा टू टू में कन्वर्ट कर लेंगे, फर्स्ट टू टर्म्स में क्या कॉमन है, नंबर्स कांस्टेंट टर्म्स कॉमन है थ्री, ओके, क्योंकि थ्री के टेबल से दोनों नंबर्स डिविजिबल हो रहे हैं, सो ये हो जाएगा टू सॉरी थ्री कॉमन हो जाएगा मीन्स वन माइनस टू एम, एंड ये हो जाएगा एम मीन्स वन माइनस टू एम, ठीक है। सो अब की बार क्या कॉमन दिख रहा, वन माइनस टू एम और थ्री प्लस एम, ओके। क्वेश्चन नंबर इलेवन देख लेते हैं, फिफ्टीन एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स वाई प्लस टेन एक्स वाई माइनस टू वाई स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, दोनों में एक्स कॉमन करेंगे और कांस्टेंट में थ्री कॉमन है, दोनों नंबर्स बेटा थ्री से डिविजिबल हैं, ठीक है। थ्री एक्स कॉमन हो गया तो थ्री की टेबल में फिफ्टीन कितने टाइम्स आता है, फाइव टाइम्स सर, और एक एक्स कॉमन हो चुका है तो बचेगा क्या, एक एक्स सर, ठीक है। थ्री कॉमन ही हो चुका है, एक्स भी कॉमन हो चुका है तो बचा क्या, वाई सर। इन दोनों में क्या कॉमन है सर, कांस्टेंट में तो सर टू कॉमन दिख रहा है और साइन देखिए प्लस ही का लिया है, क्योंकि फर्स्ट वाला टर्म्स जो है ऑलरेडी प्लस में है और फर्स्ट वाला टर्म्स हमको यहाँ भी पॉजिटिव में ही बनाना है, तो प्लस का कॉमन लिया, कोई भी चेंज नहीं करेंगे साइन। कांस्टेंट में सर टू कॉमन दिख रहा है और वेरिएबल में वाई, टू वाई कॉमन हो जाएगा तो बचेगा क्या, टू के टेबल में टेन होता है फाइव टाइम्स, वाई कॉमन हो गया बचेगा क्या एक्स, एंड माइनस टू कॉमन हो चुका है टू वाई दे बचा वन वाई, सो फाइव एक्स माइनस वाई। एंड दूसरे ब्रैकेट में थ्री एक्स प्लस टू वाई, ओके। सो आई थिंक इतनी बात क्लियर होगी सभी को। क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ देख लेते हैं, टू ए एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए एक्स वाई माइनस टू ए टू बी एक्स वाई माइनस थ्री बी वाई स्क्वायर, ठीक है। टू टू की बेटा पेयरिंग कर लेंगे। सो फर्स्ट वाले टर्म्स में बेटा कांस्टेंट में तो कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है सर, ए एक्स जरूर वेरिएबल्स में कॉमन दिख रहा है तो बचेगा क्या, टू एक्स प्लस थ्री वाई, ओके। एंड सेकंड वाले टर्म्स में देखिए माइनस के साथ मैंने बी वाई कॉमन लिया, यहाँ भी हो जाएगा टू एक्स और साइन चेंज हो जाएंगे प्लस थ्री वाई, ओके। अब इन दोनों में देखिए टू एक्स प्लस थ्री वाई एंड ए एक्स माइनस बी वाई, ओके। बस इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है बेटा 13। सो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी वाई प्लस सी वाई। अब देखिए यहाँ बेटा मोर देन फोर टर्म्स हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सर, तब भी हम क्या करेंगे, टू टू के ही पेयरिंग बनाएंगे, ठीक है सर, टू टू की ही पेयरिंग हम इसमें भी बनाएंगे, टू टू की पेयरिंग नहीं थ्री थ्री की बनाइए, थ्री थ्री की, फर्स्ट थ्री टर्म्स एंड लास्ट थ्री टर्म्स, क्योंकि फर्स्ट थ्री टर्म्स में देखिए हमको एक्स कॉमन दिख रहा है और लास्ट थ्री टर्म्स में भी वाई कॉमन दिख रहा है, ठीक है। अगर टू टू की पेयरिंग करेंगे तो यहाँ एक्स कॉमन हो जाएगा, यहाँ एक्स वाई फंस जाएगा, फिर यहाँ वाई कॉमन हो जाएगा तो कॉमन टर्म्स ब्रैकेट